खबर आगरा से है। आपको बता दें, थाना ताजगंज का ये वीडियो बताया जा रहा है। एक महिला एक दूसरी महिला को मारते हुए नजर आ रही है, जब पीड़ित महिला रिंकी अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के साथ दोनों जेठानियों ने मार पिटाई की है, जिसके चलते उसकी हालत ऐसी हो गई है, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। थाना ताजगंज में आए दिन महिलाओं के साथ ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि अभी तक यहाँ इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा रोहित कहाँ रहते हैं? मैं यही कहा रहने वाला हूँ, नगला कुकरानी का। मेरी सिस्टर है जो ठालदा जी रखी हूँ। अच्छा, क्या वारदात हुई है? वारदात ये हुई है कि उनकी जो जेठानियां थी उन्होंने मारा पीटी करी है। क्या इससे नाम है ये जेठानी का? जेठानी का नाम, एक का रीना है एक का कुष्मा है, ठीक अच्छा है। और सेकंड चीज ये कि उन्हें इतनी तरीके से बुरी तरीके से मारा है कि ना तो उनके कपड़े वगैरह छू लिए थे उन्होंने, नहीं झगड़ा कुछ किस बात को लेकर हुआ था? जगह थोड़ी मतलब जगह के चक्कर में हुई थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? अच्छा, क्या बात हुई है कि ये चोटें आई है इसके बच्ची में? और ये तो पता नहीं है घर में क्या हुआ था, लेकिन मारा इतना है कि मतलब चोटें इतनी है कि मतलब जो अपने सिर में अभी जहाँ पे भी घूम रहे हैं, सिर से हाथ नहीं लगाने दे रही है। अभी वो देंगे, अब ये कह रहे हैं कि मतलब पुलिस वाले कह नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जो ऊपर से कार्रवाई करते हैं वहां से पुलिस आती है, तो उनसे ये बोल देते हैं कि नहीं उनका तो राजीनामा हो चुका है, जबकि हमारा राजीनामा का भी कुछ भी नहीं हुआ है। हम कहाँ रहती हैं? अच्छा, क्या वारदात हुई? अब मार दिया हो तो मतलब उन्होंने चारों ने ऐसे भरतनिया से मारा है कि देखा भी नहीं जा रहा है। कम से कम ना तो देखो कि ना तो पुलिस कुछ कर रही है, और ना मतलब चौकी पे जा रहा है तो चौकी से भी नहीं कुछ हो रहा है, ना थाने से हो रहा है। तो बताओ हमने अपनी बच्चों को मारने के लिए दिया है? जो हमसे मारेंगे तो हमारे तो बच्चे दोनों मर जाएंगे वहां पे, कोई सुनाई तो करे। बिल्कुल सुनाई नहीं है रही है। अब आप क्या चाहते हैं? हमें दिया था, हमने ऐसा मन नहीं सुनाई गया हो रही तो हमें कैसे हमारी बच्ची बेटी मारी है, कैसे हमने होना। कहाँ रहते हो? बड़ी ठाकुरदास पट्टी पचवाएं। क्या मामला हुआ कि आप यहाँ तक चले आए? मेरे बड़े भाइयों ने और बड़े भाई और भाभी ने मिलकर मेरी सबसे छोटी भाभी को मारा है, किस विषय में? खेत के चक्कर और हिस्से के चक्कर में। आज यहाँ पर आप आए हो, क्या आश्वासन मिला? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। आपने इसकी कार्रवाई के लिए कहाँ पर पूछना पड़ता? हमने एक चौकी में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि जैसे कि हमने रिपोर्ट लिखी उसमें कोई कार्रवाई नहीं है और वो खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस कानून की कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी 4 दिन से। कहाँ रहते हैं? अच्छा, क्या घटना हुई है? मारपीट करी है बहुत बुरी तरह से, फिर लोगों ने देख पाए जेठ ने और जठानी ने और बाकी बच्चा ने। शिकायत दर्ज कराई है तो ये फर्जी बना के दे दी। क्या फर्जी बना के दे दी? किस तरीके से? मतलब जीव से क्या मारपीट की दादी या कोई चोट आई है किसी को? चोट है बाकी मान लो 90% वेंटिलेटर पे रखी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है। अच्छा, क्या घटना हुई है? ये जेठानी जेठों ने मारपीट की है और वो लड़की 90% वेंटिलेटर पे रखी है। क्या नाम है बच्ची का? सरकारी डॉक्टर ने पैसे खा करके रिपोर्ट गलत बनाई है, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। और हमने सब जगह ही कोशिश की पर कोई व्यवस्था नहीं हुई, वो जांच की जाए कि 90% वेंटिलेटर पर रखी है मिट्टी। आज आप यहाँ आए डीसीपी साहब के यहाँ, क्या आश्वासन मिला आपको, क्या आपकी मांगे रही? ये मांगे हमारी लड़की की जांच की जाए, सरकारी डॉक्टर को दोबारा उसकी मिट्टी की जांच करके वेंटिलेटर पैसे दें और उनकी गिरफ्तारी की जाए, और पैसे भर करके थाने वालों ने तारीगंज थाने वालों ने और पैसे खा गई है पुलिस, और धारा बनाई नहीं है और गलत किया है। अब आप क्या चाहते हैं?